ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharshareef.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.bachpanplayschool.com। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरभंगा पुलिस ने 7 अपराधियों की गिरफ्तारी की है। ये सभी अपराधी सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत, सिमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत, बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत, तीनों थाना क्षेत्र अंतर्गत लूटपाट करते थे और करवाया करते थे। यह अपराधी राह चलते हुए मुसाफिर को अपना ठिकाना बनाते थे, उसके बाद राहगीर का बाइक, सामान, रुपए लूट लेते थे। इन अपराधियों का बहुत बड़ा गैंग चल रहा है, जिस गैंग में से 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अन्य की खोजबीन जारी है। इसमें से कुछ अपराधी का पहले से भी रिकॉर्ड है, अपराध का इतिहास है। कुछ अपराधी के बारे में फिलहाल पता लगाया जा रहा है और अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरभंगा से राजू सिंह की रिपोर्ट। 7 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और ये सभी अपराध कर्मी वैसे हैं जो पिछले 1 माह में सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत, इसके बाद सिमरी थाना क्षेत्र और बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इन लोगों ने अपराध किया है। उसमें मुख्यतः जो राहगीर होते थे, जो बाइक से जाते थे, उन पर हमला करते थे चाकू से, और यदि राहगीर ने प्रतिरोध किया तो उन पर फायरिंग करके उसे जख्मी कर देते थे और उसकी बाइक और उनके पास जो भी कैश होता था वो लूटपाट कर लेते। इसी क्रम में सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत भी एक घटना घटी थी कुछ दिन पहले, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी और वो बाइक लूट लिए थे। सिमरी थाना क्षेत्र में भी 2 घटनाएँ घटित हुई थी। सभी कांडों का उद्भेदन कर लिया गया है और जो घटना में इस्तेमाल किए गए थे शस्त्र, वेपन्स और ये चाकू, छुरी और मोबाइल जो लूटे गए थे, वो सारे चीज़ बरामद हो गए हैं और अपराधकर्मियों की निशानदेही पे जो पीड़ित थे उनका मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है उनके पोजीशन से, उनके पास से। तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती को दरभंगा पुलिस ने एक टीम गठित किया, जिसमें कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और इंस्पेक्टर अखिलेश और जो हमारे टेक्निकल सेल के, साइबर सेल के सभी लड़के लोग थे, इन लोगों ने बहुत ही मेहनत किया, विगत कुछ दिनों से मेहनत किया, रेकी किया और इस कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया। और ऐसे अपराधकर्मी हैं जो इनका आपराधिक इतिहास भी पूर्व में रहा है और इससे निश्चित रूप से जो अपराध हो रहा था उस पर एक लगाम लगी। कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं इसमें? कुछ तो तारालाही क्षेत्र के हैं, स्थानीय तारालाही के हैं, बलभद्रपुर के हैं और कुछ अपराधकर्मी बिरौल के, साहपुरों के हैं। क्या कुछ सामान जो बरामद हुआ है, क्या कुछ इसमें? इसमें 2 पिस्टल है, 5 जिंदा कारतूस है, 14 मोबाइल हैं। इनमें वैसे मोबाइल हैं जो लूटे गए हैं, मैंने जो जिनको जिनके साथ लूटपाट की तो उनके मोबाइल भी बरामद हुए हैं और जो कैश लूट हुआ था वो भी 60,000 रुपया है। कुछ दिन पहले भी जो है लगभग के रहने वाले सिंहवाड़ा क्षेत्र के थे, उसमें जितने सारे अपराधकर्मी जो 7 पकड़े गए ये सभी उसमें सम्मिलित रहे हैं। क्या कुछ कार्रवाई लोग पे की जाएगी? अब तो ये तो काफ़ी गंभीर अपराध है, हत्या का मामला है, लूटपाट करते हुए हत्या का मामला है और इसमें सभी साक्ष्य पुलिस के पास हैं और हम लोग इसे स्पीडी ट्रायल कराते हुए इनको सजा दिलवाएंगे। ये लोग पुराने किस्म के अपराधी हैं या क्या इसका इतिहास रहा है? इसमें कुछ अपराधकर्मी हैं जिनका कि आपराधिक इतिहास पता चला है और बाकी का भी पता किया जा रहा है।